أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين ترجمہ हमने डाल दिए हैं उनकी गर्दनों में तौक पस वो इनकी ठोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं इसलिए उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं और हमने बना दी है इनके सामने एक दीवार और इनके पीछे एक दीवार और इनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है पस वो कुछ नहीं देख सकते और यकसा हैं उनके लिए चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो इत्तबा करता है कुरान का और डरता है खुदावंदे रहमान से बिन देखे। बस मुजदा सुनाइए ऐसे शख्स को मगफिरत का और बेहतरीन अजर का। बेशक हम ही जिंदा करते हैं मुर्दों को और लिख लेते हैं उन आमाल को जो वो आगे भेजते हैं और उनके आसार को जो वो पीछे छोड़ जाते हैं और हर चीज़ को हमने शुमार कर रखा है लोहे महफूज में। तफसीर अज़ली बदबख्तों का बयान हो रहा है कि इनका हिदायत तक पहुंचना मुहाल है। इनकी हालत ऐसी है जैसे इनके हाथों में जंजीर और गले में तौक डालकर उन्हें गर्दन के साथ यूं सख्ती के साथ जकड़ दिया हो कि उनका सर ऊपर उठकर रह गया हो। इसलिए फरमाया फहुम मुकमहून। मुकमहून उसे कहते हैं जिसका सर ऊपर उठा हुआ हो। उम्मे जर का कौल है यानी तर्जमा यानी मैं खूब सैर होकर पीती हूँ और अपना सिर उठाती हूँ। आयत करीमा में गर्दन में तौक का जिक्र है हाथों का नहीं लेकिन मुराद हाथ भी हैं और ऐसा होता रहता है कि एक चीज़ के जिक्र पर इक्तफा करते हुए दूसरी चीज़ का उस लफ्ज़ों में जिक्र नहीं करते कि सियाक कलाम की दलालत इस पर मौजूद होती है। चूँकि गुल तौक इसी चीज़ का नाम है कि हाथों को गर्दन के साथ जकड़ दिया जाए इसलिए गर्दन के ज़िक्र को काफ़ी समझते हुए हाथ का ज़िक्र नहीं किया। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत इस आयत की तरह है बनी इसराइल आयत नंबर 29 तर्जमा और ना बना लो अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ बंधा हुआ। मज़कूरा बाला आयत का मतलब ये हुआ कि उनके हाथ उनकी गर्दनों के साथ बंधे हुए हैं इसलिए वो अपने हाथ कार्य खैर के लिए बढ़ा नहीं सकते। मुजाहिद फरमाते हैं कि इनके सर ऊंचे और हाथ उनके मुंहों पर रखे हुए हैं और ये हर खैर से बेबस और जकड़े हुए हैं। इसके बाद फरमाया वजअलना मिन बैनी यानी हमने उनके आगे भी हक से एक रुकावट और दीवार बना दी है और उनके पीछे भी चुनाचे ये गुमराही में भटके हुए तरद्दुद का शिकार हैं। मजीद बरा इनकी आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं इसलिए ये हक को देख नहीं सकते और खैर से ना ये इस्तफादा कर सकते हैं और ना इसकी राह पा सकते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो की किरत में
के साथ है, फाग्शैना हुम आइना के साथ है, ये इशा से माखूज है, जो आँखों की एक बीमारी का नाम है। अब्दुर्रहमान बिन जैद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके और ईमान और इस्लाम के दरमियान दीवार हायल कर दी है, इसलिए ये ईमान और इस्लाम तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि एक और आयत में है, इन लजीना हक्कत अलैहिम कलिमातु रब्बिका से लेकर अल अज़ाब अल अलीम सूरह यूनस आयत नंबर 96, अल्लाह ताला जिससे हिदायत रोक ले वो बेबस हो जाता है। एक मर्तबा अबू जहल लईन कहने लगा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो यूं कर दूंगा। इस पर ये आयत उतरी। लोग उसे कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई ही ना देते थे, इसलिए वो पूछता था कि वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। एक मरतबा अबू जहल अपने साथी काफरों की महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहने लगा कि इस शख्स का ख्याल है कि अगर तुम इसकी इत्तबा करोगे तो बादशाह बन जाओगे, मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा और तुम्हें उर्दन के बागात से बेहतर बागात नसीब होंगे, और अगर तुमने उसकी मुखालफत की तो यहाँ मौत के घाट उतार दिए जाओगे और फिर मरने के बाद ज़िंदा करके तुम्हें जहन्नम के दायमी अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। आज मैं इससे निपट लेता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान वहाँ तशरीफ़ ले आए, आपकी मुट्ठी में मिट्टी थी। अल्लाह ताला ने इन सब काफरों को अंधा कर दिया। आप सूरह यासीन की इब्तदाई आयात तिलावत करते हुए और उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए वहाँ से तशरीफ़ ले गए। ये बदबख्त आपके दरवाजे पर नज़रें जमाए आपकी ताक में रात भर बैठे रहे कि इसी असना में घर से कोई आदमी निकला और उनसे पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे डेरा जमाए बैठे हो। काफिर कहने लगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा कि वो तो तुम्हारे पास आए थे और तुम में से हर एक के सर पर खाक डालते हुए निकल गए। अब हर एक अपने सिर से मिट्टी झाड़ने लगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अबू जहल की ये बात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बात कहता हूँ मेरे हाथों ये कत्ल होंगे और मैं इन्हें पकड़ने वाला हूँ। इसके बाद फरमाया, व सवाउन अलैहिम, यानी अल्लाह ताला ने इन पर गुमराही की मोहर लगा दी, इसलिए उन्हें डराने का कोई फ़ायदा नहीं और ना ही ये इससे मुतासिर होंगे। इस जैसी आयत सूरह बकरा के शुरू में भी गुजर चुकी है। एक और जगह फरमाया, इन्नल लज़ीना हक़्क़त से लेकर अल अज़ाबुल अलीम सूरह यूनस आयत नंबर 96-97। फिर इरशाद होता है, इन्नमा तुनज़िरो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने और नसीहत करने से सिर्फ मोमिन ही इस्तफादा करेंगे या करते हैं जो कि ज़िक्र कुरान करीम की इत्तबा करते हैं, बिन देखे अल्लाह ताला से डरते हैं और इस बात का इल्म रखते हैं कि अल्लाह ताला इन पर पूरी तरह आगाह है और इनके अमाल को खूब जानने वाला है। बस ऐसे लोगों को गुनाहों से मगफरत और बेपाया उमदा अजर की नवीद सुना दें। जैसा कि एक और जगह फरमाया, सूरह मुल्क आयत नंबर 12, बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। फिर फरमाया, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, यानी हम कयामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला गुमराही के सबब मुर्दा दिल काफरों में से जिसका चाहे दिल ज़िंदा कर देता है और गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह पर गामजन कर देता है। जैसा कि एक और मकाम पर संग दिलों का जिक्र करते हुए फरमाया, अल-हदीद आयत नंबर 7, जान लो अल्लाह ताला ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदा करता है, हमने तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। इसके बाद फरमाया, वनक्तुबु, यानी हम उनके अमाल लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजे हैं और उनके वो आसार भी जो वो अपने पीछे छोड़ आए, इनका भी हम उन्हें बदला देंगे। अगर खैर छोड़ आए थे तो अच्छा बदला मिलेगा और अगर शर को रिवाज दिया था तो बुरा। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम में अच्छा तरीका राइज किया उसे उसका अजर और उन लोगों का अजर और उन लोगों को उसका अजर भी मिलेगा जो इसके बाद इस पर अमल पैरा रहे, जबकि इनके अजर में कोई कमी नहीं होगी।
और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका राज किया, इस पर उसका बोझ और उन लोगों का भी बोझ होगा जो उसके बाद इस पर अमल पैरा रहे, जबकि उनके बोझ में ज़रा बराबर भी कमी ना होगी। एक और रिवायत में मजकूर है कि इस हदीस को बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत व नक्तबू की तिलावत की। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसके तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं बजुज तीन के, ऐसा इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, और सदका जारिया जो उसके बाद बाकी रहे। मुजाहिद आसारहुम की तफसीर में कहते हैं कि इससे मुराद गुमराही है, जिसे गुमराह लोग अपने पीछे छोड़ जाएं। सईद बिन जबीर फरमाते हैं कि इनसे मुराद वो तरीका है जो लोग अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अच्छा तरीका राइज करने वालों को उन लोगों का भी अजर हासिल होगा जो उसकी वफात के बाद इस पर गामजन रहे, और बुरा तरीका राइज करने वालों पर उन लोगों का भी बोझ होगा जिन्होंने इसके बाद उसे अपनाए रखा, जबकि अमल पैरा होने वालों में से नेक लोगों के अजर और बुरे लोगों के बोझ कम नहीं होंगे। आसारहुम जकी की तफसीर में पहला कौल था, बगवी ने इसी को पसंद किया है। दूसरा कौल यह है कि आसारहुम से मुराद उनके कदमों के निशानात हैं जो इहायत या मायसियत की तरफ उठे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और हसन रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि इससे मुराद उनके उठने वाले कदम हैं। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, अगर अल्लाह ताला तेरे किसी अमल से गाफिल होता तो तेरे निशाने कदम से गाफिल होता, जिसे हवा मिटा देती है, लेकिन वो इब्ने आदम का हर निशान कदम और अमल शुमार कर रहा है, यहाँ तक कि वो ये लिख भी रहा है कि ये कदम याद की तरफ उठा या मायसियत की तरफ। इस मायने की ताईद में बहुत सी अहदीस मौजूद हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ मकानात खाली हो गए तो बनू सलमा ने मस्जिद नबवी के करीब मुंतकिल हो जाने का इरादा किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो। उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इरादा तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी सलमा, अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बनू सलमा मदीना शरीफ के एक किनारे रिहाइश पजीर थे। उन्होंने मस्जिद नबी के करीब आबाद होने का इरादा किया तो ये आयत इन्ना नहनु नुही नाजिल हुई, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे निशानात कदम अल्लाह ताला के हाँ लिखे जाते हैं। चुनाचे उन्होंने नकल मकानी का इरादा तर्क कर दिया। एक और रिवायत में है कि बनू सलमा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हमारे घर मस्जिद नबी से बहुत दूर हैं, तो उस वक्त यह आयत उतरी, चुनाचे वो अपने घरों में ही मुकीम रहे। लेकिन इस रिवायत में इस आयत के शान नुजूल के जिक्र की वजह से गराबत है, हालांकि ये मसावी ये सारी सूरत मक्की है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हा अनहुमा से मरवी है कि अंसार के मकानात मस्जिद नबवी से दूर वाक़े थे, उन्होंने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया तो ये आयत नाजिल हुई, इस पर वो कहने लगे कि हम अपने घरों में ही रहेंगे। यह हदीस मरफू नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि मदीना शरीफ के एक शख्स का इंतकाल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजा की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, काश के इसकी वफ़ात इसकी जाए पैदाइश के सिवा किसी और जगह होती। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों? फरमाया, जब कोई आदमी किसी दूसरे वतन में फौत हो जाता है तो उसकी जाए पैदाइश से लेकर जाए वफात की ज़मीन के बराबर उसे जन्नत में जगह मिलती है। हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज के लिए अटकला में तेज़ कदम उठाने लगा तो आपने मेरा हाथ थाम लिया, चुनाचे हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ निकले तो आपने मुझे फरमाया, अनस, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि निशानात कदम भी लिखे जाते हैं? इस कॉल और पहले कॉल के दरमियान कोई तज़ाद नहीं।
बल्कि ये कौल पहले की तायीद करता है, क्योंकि जब निशानात एक कदम लिखे जाते हैं तो वो नेक और बद तरीका बदरजा उला लिखे जाते होंगे जिनकी लोग इत्तबा करते हैं। आयत के आखिर में फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनहू, यानी हमने हर चीज़ लोहे महफूज में दर्ज कर रखी है। इमाम मुबीन से मुराद उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज है। इसी तरह इस आयत में यौम तदऊ कुल्ल उनासिन बे इमामहिम, बनी इसराइल की आयत है, अलमाफर में अगर आगे पीछे हो गई तो 71 आयत नंबर 71 में भी इमाम से यही मुराद है, यानी इनका नामा अमाल जो इनके अच्छे बुरे अमाल का गवाह होगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 69, और रख दिया जाएगा दफ्तर अमल और हाजिर किए जाएंगे अंबिया और दूसरे गवाह। जज़ाकअल्लाह।